एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज पर। बढ़ते खबरों की तरफ। खबर है जनपद बहराइच से। बहराइच के मिहीपुरा स्थित मोतीपुर में हुए पुलिस मुठभेड़ में ननिहाल लूट का कांड, एक बदमाश घायल और 3 गिरफ्तार। जी हां, मोतीपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मंगलवार के सुबह मुठभेड़ हो गई। वही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश घायल हुआ जिसका इलाज चल रहा है। बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने ननिहाल लूटकांड का खुलासा भी कर दिया है। वही मोतीपुर थाने क्षेत्र के ननिहाल मंडी गेरा मार्च के रात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटकांड का अंजाम दिया था। वही होटल मालिक के भतीजे द्वारा विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग भी कर दी थी, जिसका इलाज चल रहा है। मैं पुलिस अधीक्षक केशव चौधरी और एसपी ग्रामीण ने मौके का मुआयना भी किया था। वही घटना के खुलासे के निर्देश भी दिया गया था। तो मोतीपुर थाना अध्यक्ष दिलचंद सिंह ने बताया कि पुलिस 3 बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, तो 2 लोगों को घटने के दिन में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया गया था। तो मंगलवार को बदमाशों के जालिम नगर चौकी होते हुए लखीमपुर की ओर जाने की सूचना मिली। इस पर जाली नगर चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार त्रिवेदी को वार्डेस पर सूचना देकर नाकाबंदी भी कर गए थे। पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को ननिहाल जंगल के आगे गुरुद्वारा के पास घेरे में, इस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी गए थे। तो पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी, इसके बाद सभी ने सरेंडर कर दिया गया था। वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि बदमाशों की पहचान खैरीघाट थाना क्षेत्र के अरनवा टिकोरी गांव के निवासी इंदुल चौहान पुत्र ठाकुर चौहान, सिमरी चौहान पुत्र भूकन चौहान और कुमारे चौहान के रूप में हुई थी। सभी के पास लूट के कांड में प्रयुक्त बाइक, 4,000 से अधिक नकदी व कट्टा कारतूस, बैंक पासबुक नकाब बरामद हुआ। वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि घायल बदमाश कुमारे चौहान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। किसी पर 18 तो किसी पर 17 मुकदमा भी है। वही थाना अध्यक्ष बृजनंद सिंह ने बताया कि कुमारे के विरुद्ध जिले के थाने में 18, सिमरी चौहान के विरुद्ध 17 और इंदल के विरुद्ध 14 मुकदमा दर्ज है। सभी मोतीपुर हरदीबा खैरीघाट थाने के मोस्ट वांटेड अपराधी भी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बीती रात थाना मोतीपुर अंतर्गत ननिहाल जंगल में एसओ मोतीपुर और उनकी टीम परवानी गोड़ी के पास चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि विगत में एक घटना ननिहाल मंडी में हुई थी, उसके अभियुक्त संभवतः जालिम नगर की तरफ से आ रहे हैं और ये पुनः कोई घटना करने की फिराक में है। गुरुद्वारे के आगे ननिहाल जंगल के पास इन लोगों को रोका गया। रोकने पर इन लोगों द्वारा दुस्साहसिक कृत्य करते हुए पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपने को बचाते हुए संयमित तरीके से आत्मरक्षात फायर करते हुए अपना बचाव किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। तत्पश्चात ये लोग वहां से जंगल की तरफ भाग लिए। वहां घेराबंदी करके इन सबको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ में पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है एक कुंवारे चौहान है, जो कि थाना खैरीघाट का रहने वाला है। साथ ही उसके 2 अन्य साथी इंदर और सोमारी, जो टिकुरी अरनवा थाना खैरीघाट के ही इसी के गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों ने 11:03 की रात में ननिहाल मंडी में भी घुस करके एक दुकान में चोरी करने का प्रयास किया था। चोरी करके कुछ सामान ले भी गए थे और जब दुकान मालिक जागा तो उसके साथ उन्होंने मारपीट की और एक फायर भी कर दिया, जो कि उसकी पीठ में लगा हुआ था। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार
अभियोग पंजीकृत करके इनकी निशानदेही से जो विगत घटना में पैसा अन्य सामग्री चोरी गई थी उसे बरामद किया गया है। घायल कुंवारे को उपचार के लिए जिला अस्पताल बहराई चलाया गया था जहां से उसका उपचार हो गया है और उपचार के उपरांत इन गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों को सुसंगत धाराओं में जेल रवाना किया जा रहा है।